वो टूडे वी विल स्टार्ट विद्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिया आर मदर लैंड तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपनी कंट्री इंडिया के बारे में उसके फीचर्स क्या क्या है उसका क्लाइमेट कैसा है वहां के लोग कैसे है सो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सो लेट्स गो अट एंड बिगिन द चैप्टर चैप्टर फोर इंडिया आर मदरलैंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव बाय द एंड ऑफ दिसन यू लर्न मीनिंग ऑफ मदर लैंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्लाइमेट ऑफ इंडिया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे अपने कंट्री अपने मदरलैंड के बारे में चीजों के बारे में जानेंगे कि क्या उसके फीचर्स हैं कैसे उसकी कितनी पॉप्युलेशन है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वीव टू डू अक्टिविटी मैच दि फॉलोइंग बिल्डिंग्स विदर करेक्ट प्लेस अब हमारे पास ये मैचिंग है हमें इन बिल्डिंग्स को इनकी करेक्ट प्लेसेस से मैच करना है सो लेट्स रेड फोर्ट आगरा देर इज अजमहल एंड इज इन जयपुर लेट स्टार्ट

तो इंडिया एक साउथ एशियन कंट्री है जिसमें थर्टी टू लैक एटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड करती है वी बिल्ड अ पर्सनल रिलेशनशिप विद our लैंड वी कैन नेवर never नो मैटर वेयर वी गो टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड दिस इज बिकॉज द मोस्ट most फेज ऑफ of our दैट इज is childhood, इज स्पेंट here. अब जिस जगह पे हम पैदा होते हैं जिस कंट्री में हम पैदा होते हैं तो वहाँ से हमारा इमोशनल और मेंटल अटैचमेंट होता है तो हम उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते इस चीज़ ये मैटर नहीं करती कि किसी भी कॉर्नर के हम वर्ल्ड में कहीं भी वो जगह हो बट हम उस जगह से हमें प्यार होता है तो इसीलिए सबसे ब्यूटीफुल फेज़ हमारी लाइफ का होता है चाइल्डहुड क्योंकि हमने पूरा बचपन वहां पर बिताया होता है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंडिया is द मोस्ट populous कंट्री इन the अबाउट About 143 crore करोड़ पीपल लिव इन इंडिया इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है बहुत पॉपुलर कंट्री है ये कम से कम भी 143 फोर्टी थ्री करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं इंडिया इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट इज़ 3,214 kilometers long, and from west to east, it फ्रॉम वेस्ट kilometers ईस्ट इट इज टू थाउजेंड वाइड तो अगर हम बात करें उसके एरिया के अकॉर्डिंग तो नॉर्थ से लेके साउथ तक उसने 3,214 किलोमीटर वो लंबी है और अगर वेस्ट से ईस्ट तक देखें तो 2,933 किलोमीटर वो चौड़ी है इट हैज मैनी हाई माउंटेन रेंजेस रिवर्स एंड प्लेन्स तो उसमें बहुत सारे हाई माउंटेन रेंजेस भी हैं रिवर्स भी हैं प्लेन्स भी हैं सब चीजें हैं फैक्ट ट्रेजर देर आर ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं ट्वेंटी टू लैंग्वेज हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स रिवर्स प्लेन्स एंड फॉरेस्ट लेड्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑफ इंडिया तो माउंटेन्स हैं हमारी कंट्री में रिवर्स हैं प्लेन्स हैं फॉरेस्ट हैं सो अब लेकिन सब एक जगह नहीं है सब अलग अलग जगहों पर कहाँ पे माउंटेन्स हैं कहीं पर प्लेन एरियाज हैं कहीं पर प्लेटोज हैं कहीं पे आइलैंड्स हैं कहीं पे पानी है इसी कारण से वहां पर हर जगह का क्लाइमेट हर स्टेट का क्लाइमेट डिफर करता है नॉर्थ इंडिया द समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई एंड द विंटर्स आर कोल्ड तो इसीलिए नॉर्थ नॉर्थ साइड में नर्दर्न इंडिया में जो वहाँ पे गर्मियाँ होती हैं समर्स के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है द माउंटेंस हैव अ कोल्ड क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर माउंटेन्स जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है वहां पर ठंडा रहता है ज़्यादातर रात को तो ठंडा रहता ही है लेकिन वहाँ पर गर्मियों में भी मौसम अच्छा ही रहता है इन कोस्टल एरियाज इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड और जो थोड़े कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पर पानी की साइड है जो बीच वगैरह की साइड होते हैं वहां पर ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड होती है वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू सिक्स कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर जोग्राफिकल फीचर्स अब इंडिया को अपनी ज्योलॉजिकल जो फीचर्स के बेस पर सिक्स कैटेगरीज में हमने बांटा है फर्स्ट इज द हिमालयन माउंटेन्स सेकेंड द नॉर्दर्न प्लेन्स थर्ड द इंडियन डेजर्ट फोर्थ द पेनेंशुलर प्लाटो फिफ्थ कोस्टल प्लेन एंड सिक्स आइलैंड फर्स्ट हम पढ़ेंगे द हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ वी हैव द ग्रेट हिमालयन रेंज नॉर्थ में हमारी बहुत ही ज्यादा ग्रेट हिमालयन रेंज है दिस रेंज हैज सम द हाइस्ट माउंटेन्स इन वर्ल्ड तो ये जो रेंज है इसमें कुछ ऐसी हिमालयन माउंटेन्स का मतलब ये नहीं कि वहां पर सिर्फ हैं उसकी बहुत सारी रेंजेस हैं बहुत सारे माउंटेन्स हैं द पीक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स रिमेन कवर्ड स्नो थ्रू आउट द ईयर तो ज्यादातर पूरे पूरे साल जो हिमालय की चोटी है वो बर्फ से ढकी रहती है द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हिमालय सबसे ऊंची चोटी जो हाइस्ट माउंटेन पीक है हमारे वर्ल्ड में वो है माउंट एवरेस्ट वो भी हिमालयास का ही हिस्सा है गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा राइज इन द हिमालय तो बहुत सारी नदियां हैं हमारी गंगा नदी हमारी ब्रह्मपुत्र वही से हिमालय से ही निकलती है बचेंद्री पाल एज एन इंडियन माउंटेनियर शी बन माउंट एवरेस्ट बचेंद्री पाल जो है वो बहुत ही इंडियन माउंटेनियर थी उन्हें माउंटेन्स पर चढ़ती थी वो और 1984 में उन्होंने वो पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने हाइस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था द नॉर्द प्लेन्स द्री मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया इंडस गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा हैव विद्रिब्यूटरीज द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय अब तीन मेजर रिवर सिस्टम है हमारे गंगा इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ये तीनों रिवर्स के जो मेन सिस्टम है उनके साथ साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं जो रिवर्स से डिवाइड होकर बन जाती हैं और वो कहाँ पर फ्लो होती है डायरेक्ट रिवर में ही जाके मिलती हैं तो उनकी जो वो भी आपकी गंगा जो है इंडस है ब्रह्मपुत्र है वो भी कहाँ से निकल रही है हिमालय के फुटेल से ही द नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इन थ्री सिग्निफिकेंट पार्ट्स अब जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया द पंजाब प्लेन्स पंजाब प्लेन्स द इंडस एंड इट्स फॉर्मेशन ऑफ द वास्ट प्लेन्स मेजर पार्ट ऑफ विच नाउ लाइज इन पाकिस्तान सबसे पहले जो हमारा है वो है पंजाब प्लेन्स पंजाब जो हमारे इंडस रिवर है और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है जितनी भी स्ट्रीम्स है फुल ऑफ वाटर वो सब उनकी जो फॉर्मेशन है उन बड़े बड़े प्लेन्स को सिर्फ वो, वो उन्हीं की वजह से होती है और उसका जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है मेजर हिस्सा उसका पाकिस्तान में है सेकेंड गंगा प्लेन्स दिस रीजन स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्दन इंडियन स्टेट्स विच आर हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल अब गंगा प्लेन्स का जो रीजन है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है नॉर्दन इंडिया के जितनी भी स्टेट्स को कवर कर रहा है जिसमें आपकी हरियाणा आती है उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल बेंगाल ब्रह्मापुत्रा प्लेन्स दिस रीजन कवर्स द मेजर पार्ट्स ऑफ असम एंड द अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो ये रीजन कवर करता है असम का और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी मेजर पार्ट्स होते हैं वहां पर Now comes the 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 Indian Indian Desert. Desert. undulating sandy plains covered with sand dunes on the western fringes of Aravalli Hills comprise इंडियन डेजर्ट दानी प्लेन प्लेन्स वो जैसे वेव की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे बने हुए हैं और कहाँ पर है इंडियन डेजर्ट वो इंडियन डेजर्ट को कवर करते हैं With रेनफॉल एज लो एज हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड मिलीमीटर पर this region दिस रीजन इज द ड्राइस्ट इन द कंट्री एंड low ग्रीनरी और वहां पर जो बारिश होती है वो हंड्रेड से लेके फाइव हंड्रेड मिलीमीटर होती है पर एनम पूरे साल में इसीलिए ये सबसे ज्यादा सूखा यहाँ पर पड़ता है कंट्री के इस हिस्से में और वहाँ पर ग्रीनरी उतनी ही कम है क्योंकि बारिश कम होगी तो पेड़ पौधे भी कम ग्रो होंगे और जब कम ग्रो होंगे तो वहाँ पर ड्राई तो रहेगा ही the states of Rajasthan and the northwestern parts of the Gujarat collectively form the desert region. तो Rajasthan की जो states हैं और जो northwestern parts है Gujarat का वो सब मिलकर क्या बनाते हैं desert region. Your wise, what is the reason for no rain in the desert? What is the reason that there is so much dry sand there? तो ऐसा क्या कारण है कि desert में बारिश या तो होती ही नहीं है या फिर थोड़ी बहुत होती है और ऐसा क्या कारण है कि वहां पर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है दिन प्लेटो द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक शिफ्ट ऑफ दाना लैंड सबसे पुराना एक लैंड का हिस्सा इंडिया का Peninsular Plateau है। जो किस कैसे बना था टेक्टोनिक शिफ्ट के जो हमारे अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो या किसी भी कारण से हिल जाती हैं तो उस शिफ्टिंग की वजह से वो जो एरिया है वो बन गया था दे आर डिवाइडेड एज सेंट्रल हाईलैंड उनका नाम डिवाइड उनको डिवाइड कर दिया गया जो सबसे पहले था आपका सेंट्रल हाइलैंड दिस पार्ट

डेकन प्लाटो ट्राइंगल शेप में बना हुआ है ट्राइंगल ही शेप में वो हिस्सा है जो नर्मदा रिवर के साउथ की साइड पे है द दिन घाट एंडो ऑन इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड रिस्पेक्टिवली और जो हमारे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स हैं वो बॉर्डर करते हैं हमारे डेकन प्लेटो को उसके दोनों तरफ में बॉर्डर उससे बना हुआ है उसकी ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स पर ईस्टर्न घाट्स आपके ईस्टर्न साइड्स पर और वेस्टर्न घाट वेस्टर्न साइड्स पर The Satpura mountain ranges stands on its northern part with with Western Ghats, having a a higher elevation with a maximum height of 2695 meters. ही है उसके किसके साथ वेस्टर्न घाट्स के साथ और उसका एलिवेशन ज्यादा उसकी हाइट बहुत ज्यादा है कम से कम भी 2695 थाउजेंड मीटर्स उसकी हाइट है बहुत ऊंचा है ऑन other

तो आउटर एजेस पर इंडियन पेनिनसुला के बाहर की साइड उसके बाहर के एजेस पर है आपकी नैरो स्ट्रिप्स कोस्टल प्लेन की पतली पतली जगह है दीज सी फेड रीजन कवर द शोर्स ऑफ द बे ऑफ बेंगोल इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट तो ये जो सी फेड रीजन्स होते हैं जिनके आसपास सीज uh, होती हैं वो बे ऑफ बंगाल को कवर करते हैं ईस्ट में और अरेबियन सी को वो कवर कर रही है वेस्ट में द वेस्टर्न कोस्ट अलोंग द अरेबियन सी कैन बी कट सी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टू थ्री सेक्शंस अब जो वेस्टर्न कोस्ट है अरेबियन सी के साथ साथ उसको फर्दर डिवाइड करा थ्री सेक्शंस में द कौनकन कोस्ट इट कवर्स कोस्ट टिल महाराष्ट्र एंड गोवा सबसे पहला हमारा हुआ कौनकन कोस्ट ये कवर करता है आपके कोस्टल एरिया जो आपके महाराष्ट्र और गोवा है द कनाडा प्लेन कोस्ट ऑफ कर्नाटका ये कर्नाटका के एरिया को कवर करते हैं द मलाबार कोस्ट इट कवर्स केरला और मलाबार कोस्ट में कहारला साइड ऑन दर हैंडर्न कोस्ट है उसके अलावा जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके तीन ब्रॉड सेक्शन है द नदन सरकार कोरोमंडेल कोस्ट एंड द उत्कल कोस्ट तो ये हमारे तीन ब्रॉड सेक्शन है ईस्टर्न कोस्ट के देन कम्स आइलैंड टू ग्रुप आईलैंड लाई इन द टू ओशनडिंग द मेन लैंडमार्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अब आइलैंड्स के दो ग्रुप दो ओशंस में लाए करते हैं और सबसे ज्यादा लैंड का हिस्सा कवर कर रहे हैं ऑफ द सब कॉन्टिनेंट दीज मोस्ट लाइकली कंप्लीट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और इंडिया के फिजिकल फीचर्स को असल में ये कंप्लीट करते हैं एंड द आइलैंड रीजन इज डिडेड बाई द मेन लैंड एज वेल एज दीज दू मेजर आइलैंड ग्रुप्स और जो हमारा आइलैंड रीजन है उसको डिवाइड uh, किया गया है और मैंटेन भी करा गया है दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स को बनाकर पहला बनाया गया लक्षदीप आइलैंड द लक्षदीप इट लाइज क्लोजर टू द मलाबार कोस्ट जो मलाबार कोस्ट के पास है इट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ कोरल आइलैंड कलेक्टिवली ने लक्षद्वीप तो उसमें एक आइलैंड नहीं है उसमें बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है जिनको लक्ष्मीप बोला गया है नाम एक दिया है लेकिन उसमें आइलैंड्स का ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दीज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में है ये दीज ग्रुप्स ऑफ आयलैंड लार्जर इन साइज देन देयर वेस्टर्न काउंटर पार्ट एंड हैज रिच तो ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं अंडमान और निकोबार आयलैंड जो है इनमें भी बहुत सारे आइलैंड इकट्ठे हैं इनको क्लस्टर को ही नाम दिया गया है और इनका साइज भी बहुत बड़ा है यहाँ के आइलैंड का और उनके साइज बड़ा होने के साथ साथ वहां पे पॉपुलेशन भी है और वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी है बिकॉज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर क्लोजर टू द इक्वेटर द रीजन ऑल्स एक्सपीरियंस एन इक्वेटोरियल क्लाइमेट और वो इक्वेटर के ज्यादा पास होने की वजह से वहां पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट रहता है फैक्ट ट्रेजर आइसलैंड कंटेन्स अबाउट 200 हंड्रेड एंड हैज वन थर्ड ऑफ अर्थ टोटल लावा फ्लो वन टेंथ ऑफ टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड बाय कूल्ड लावा बेड्स एंड ग्लेशियर्स अब जो आइसलैंड है वहां पर कम से कम भी 200 सौ और वन थर्ड अर्थ का टोटल लावा वहां पर फ्लो करता है

तो प्लेटो जो होता है वो प्लेन लैंड का ही एक हिस्सा होता है जिसका सराउंडिंग एरिया जो होता है होता है ऊंचा होता है डेजर्ट अ पीस ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड मतलब जहां पर सैंड ज्यादा होती है रेत ज्यादा होती है अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स आइलैंड ऐसी जगह होती है जिसके चारों तरफ क्या होता है पानी और एक पानी के बीच में वो आइलैंड होता है पेनशुला

तो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं कहीं पर माउंटेन्स हैं कहीं पर रिवर्स जिनकी वजह से वहाँ के क्लाइमेट में चेंजेस हैं अदर लैंड इज अ प्लेस वेर वी आर बॉर्न वेर वी टुक आर फर्स्ट ब्रेथ एंड लर्न टू स्पीक एंड वॉक मदर लैंड आपकी जन्मभूमि जहाँ पर आप पैदा हुए जहाँ पर आपका बचपन बीता वहाँ पर आपने अपनी पहली सांस ली

विच इज दोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड सबसे पॉपुलस है हमारी इंडिया इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज सेकेंड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया सेकंडर पर है मेन लैंड एज वेल एज दीज कौन सा रीजन है जो सीज से भी जुड़ा हुआ है और मेन लैंड में भी डिवाइड है दैट इज आयलैंड

राइजेज इन द हिमालय जो हिमालय से ही राइज करते हैं डैश हैव अ कोल्ड क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट दर पूरे साल जहां पर ठंडा क्लाइमेट रहता है माउंटेन्स डैश इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन दर्ल्ड भारत टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इंडिया इज अ स्मॉल कंट्री

And do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Bye bye. Take care. Thank you.